हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन कुमार मंडल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट सॉल्यूशन में। आज हमारा टॉपिक है ऑडिट। हम आज ऑडिट के बारे में बेसिक जानने वाले हैं कि ऑडिट क्या है, कौन कौन से ऑडिट किया जाता है, IETF 16949 2016 के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो लोग भी थोड़ा सा अवेयरनेस की ट्रेनिंग ले सकें। और आपके पास वीडियो देखने के बाद कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम जानते हैं कि आज हम ऑडिट में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑडिट क्या होता है। देखिए, ISO 9000:2015 के अकॉर्डिंग जो भी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम समझेंगे कि ऑडिट क्या होता है। उसके बाद हम ऑडिट कितने टाइप के होते हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे। फिर QMS ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। चलिए जानते हैं कि ऑडिट क्या होता है। देखिए, ISO 9000:2015 के अकॉर्डिंग ऑडिट को सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड इवेल्युएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। ये ISO 9000:2015 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। देखिए, हमारी कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमने सर्टिफिकेशन लिया है या फिर जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट को हमारी कंपनी फुलफिल कर रही है या नहीं, उसको मेज़र करने के लिए हम एक ऑडिट करते हैं। ये ऑडिट इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो ऑडिट से हमें ये पता चलता है कि जो रिक्वायरमेंट है और हमने जो इम्प्लीमेंट किया है उसमें कितना गैप है और उस गैप को हम आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक्शन लेकर हम उसको क्लोज करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है और जो गैप मिलता है उसको हम क्लोज करते रहते हैं, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है वो 100% फुलफिल हो जाए। चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है या ऑडिट कितने टाइप के होते हैं। देखिए, ऑडिट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट और एक एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को कभी कभी फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी कहा जाता है और एक्सटर्नल ऑडिट को सेकंड पार्टी ऑडिट या थर्ड पार्टी ऑडिट भी कहा जाता है। चलिए हम जानते हैं कि इंटरनल ऑडिट या फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है। देखिए, इंटरनल ऑडिट समटाइम्स कॉल्ड फर्स्ट पार्टी ऑडिट आर कंडक्टेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ फॉर मैनेजमेंट रिव्यू एंड अदर इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल ऑडिट इंटरनली किया जाता है। इंटरनल ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशन के ही प्रोसेस के ऑनर्स एक दूसरे की ऑडिट करते हैं और जो भी ऑडिट की रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम मैनेजमेंट रिव्यू में रिव्यू करते हैं। देखिए, इंटरनल ऑडिट भी तीन टाइप के होते हैं, एक QMS ऑडिट, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट जिसको हम आम कंपनियों में या कंपनियों में
प्रोसेस ऑडिट के नाम से जानते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑडिट, ये तीन टाइप के ऑडिट्स होते हैं जो कि इंटरनल ऑडिट होते हैं। चलिए जानते हम क्यूएमएस ऑडिट क्या होता है। देखिए क्यूएमएस ऑडिट IATF 16949 2016 के क्लॉज नंबर 9.2.2.2 में एड्रेस किया हुआ है और उसकी रिक्वायरमेंट है ऑडिट ऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस ओवर ईच 3 ईयर कैलेंडर पीरियड। देखिए क्यूएमएस ऑडिट की रिक्वायरमेंट है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें कहाँ मिलेगा, ये हमने अपने क्वालिटी मैनुअल में इंट्रैक्शन ऑफ द प्रोसेस नाम के एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो सभी क्यूएमएस प्रोसेस को इंक्लूड करता है। तो उसमें जितने भी प्रोसेस है आपने दिखा रखा है, जैसे HRD, टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट या फिर परचेज, ये सारे क्यूएमएस प्रोसेस है। तो ये जितने भी प्रोसेस आपने इंट्रैक्शन ऑफ द प्रोसेस में डिफाइन कर रखा है, उन सभी प्रोसेस की ऑडिट 3 साल में एक बार होना ही है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि 3 साल में एक बार उन सभी प्रोसेस की ऑडिट होना चाहिए। ये ऑडिट एनुअली प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब हमें एक एनुअल प्लान बनाना पड़ेगा जिसे हम एनुअल ऑडिट प्लान कहते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही ऑडिट होगा। उसके बाद कहते हैं यूजिंग द प्रोसेस अप्रोच टू वेरीफाई द कंप्लायंस। देखिए दोस्तों, प्रोसेस अप्रोच ऑडिट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे, जब हम IETF करेंगे तो अच्छी तरह से हम इसको समझाएंगे प्रोसेस अप्रोच। बहुत सारे ऑडिटर को प्रोसेस अप्रोच, जो हमारे इंटरनल ऑडिटर होते हैं, उनसे अगर पूछा जाता है कि ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या होता है तो उनको नहीं पता होता है। तो जहाँ से भी आप इंटरनल ऑडिट की सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, आप वहाँ ट्रेनर से आप जरूर पूछें, उनसे क्लियरिटी ले कि ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, क्योंकि कोई भी ऑटोमोटिव ऑडिटर या IATF ऑडिटर MR से जो भी ऑडिट या जो भी इंटरनल ऑडिटर है उनसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या होता है। अगर उसको आप नहीं जानते हैं तो एक नॉन कंप्लायंस है, मतलब NC है। तो इंटरनल ऑडिटर को कम से कम ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में कि ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच होता क्या है। जब आप किसी का भी ऑडिट करते हैं, किसी भी प्रोसेस ओनर या ऑडिटी, जो प्रोसेस ओनर होता है वही ऑडिटी होता है, तो उस ऑडिटी से आप उस प्रोसेस की टर्टल डायग्राम आप मांग लीजिए। अब टर्टल डायग्राम देखने के बाद उसमें आप देखिए कि उस प्रोसेस का ओनर कौन है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है कि नहीं, उस प्रोसेस ओनर को प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी की इंडिकेटर मालूम है कि नहीं, उसमें डिफाइन है कि नहीं, ये चीज़ देखिए। उसके बाद आप उसकी नॉलेज को आप चेक करिए कि उसको इंटरनल और एक्सटर्नल की नॉलेज है कि नहीं। इंटरनल नॉलेज का मतलब हो गया कि उसको इंटरनली जितने भी SOPs वगैरह है या फिर OCS वगैरह है उसको उसके बारे में पता है या नहीं, और एक्सटर्नल नॉलेज का मतलब हो गया उसको कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में नॉलेज है या नहीं, या कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बारे में नॉलेज है या नहीं, ये आप पूछिए। उसके बाद क्या टर्टल डायग्राम में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इंक्लूड किया जा रहा है या नहीं। फिर आप उनसे
टर्टल डायग्राम में आप देखिए कि इनपुट और आउटपुट सही से डिफाइंड है या नहीं। फिर आप उनसे कहिए कि स्कोर कार्ड, जो कस्टमर स्कोर कार्ड है, वो वेरीफाई करिए, और उसमें जो स्कोर कार्ड में जो टारगेट है वो टारगेट मीट हो रहा है नहीं। अगर मीट नहीं हो रहा है तो उस पर एक्शन लिया गया है नहीं। उसके बाद क्या टर्टल डायग्राम में जो भी उस प्रोसेस की रिस्क, जो भी रिस्क है, उसको आइडेंटिफाई किया है या नहीं। ये सारी चीज़ें ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच के अकॉर्डिंग देखा जाता है ऑडिट में। इसे ही प्रोसेस, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच ISO TS में प्रोसेस अप्रोच के नाम से जाना जाता था। अब उसको थोड़ा सा बड़ा करके ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच कहा गया है। फिर हम जानते हैं, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था प्रोसेस अप्रोच के बारे में। अब जानते हैं कस्टमर स्पेसिफिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। जो भी इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिट करेंगे, या आप इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट बनाए होंगे, उसमें कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के चेक पॉइंट्स जरूर आप उसमें शामिल करिए और उसकी ऑडिट करिए। ये QMS ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सभी प्रोसेस की ऑडिट, जो भी QMS प्रोसेस है, जो कि आपने इंट्रैक्शन ऑफ द प्रोसेस में डिफाइन कर रखा है, उन सभी प्रोसेस की 3 साल में एक बार कम से कम ऑडिट होगा। फिर आपको एनुअल ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा और उस एनुअल ऑडिट प्लान के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट करना होगा। ऑडिट ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच के अकॉर्डिंग ही करना है। और आपके ऑडिट का जो चेकलिस्ट है उसमें कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को भी डिफाइन करना है। ये QMS ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, IATF 16949 2016 के क्लॉज नंबर 9.2.2.3 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट एड्रेस है, और इसमें रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ओवर ईच थ्री ईयर कैलेंडर पीरियड। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट होता क्या है। देखिए, हमारी कंपनी में जहां से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है, मतलब मशीन का काम शुरू हो जाता है, मतलब पहले क्या होता है, आप अगर कंट्रोल प्लान देखेंगे तो सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद स्टोरेज होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, ये सपोर्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद उसको हम इशू करते हैं प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन के लिए इशू जब करते हैं तब जाता है एक मशीन पे, और मशीन पे जाता है तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कटिंग। तो कटिंग प्रोसेस हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उस प्रोसेस से लेकर एंड तक जब तक असेंबल नहीं हो जाता है तब तक होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये कहता है कि किसी पार्ट का, या पार्ट वाइज करो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाइज करो, लेकिन पार्ट वाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की पार्ट वाइज जो है पैरामीटर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो पैरामीटर है वो डिफरेंस होता है, मतलब अलग होता है। तो जब पार्ट वाइज अलग अलग होता है तो आप पार्ट वाइज करिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा। तो आप क्या करेंगे, पार्ट वाइज आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट करिए। तो होता क्या है, तो पहला जो ऑपरेशन है और असेंबल तक, जब तक कि वो पार्ट फाइनल नहीं होता है, तो उन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ऑडिट हमें करना है, और ये ऑडिट रिक्वायरमेंट है कि एक पार्ट के, या आपकी कंपनी में जितने भी प्रोसेस है, मान लीजिए सबसे पहले कटिंग हो रहा है, फिर मशीनिंग हो रहा है, फिर ड्रिलिंग हो रहा है, फिर वेल्डिंग हो रहा है, फिर असेंबल हो रहा है, इस टाइप के जितने भी प्रोसेस है, उन प्रोसेस की, सभी प्रोसेस की
तीन साल में एक बार ऑडिट करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। फिर इन्होंने सेकंड पॉइंट लिखा, यूजिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायर्ड अप्रोच फॉर प्रोसेस ऑडिट। इसमें कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी ऑडिट करने को की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट, ईच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शैल बी ऑडिटेड ऑन ऑल शिफ्ट। जितने भी शिफ्ट है हमारी कंपनी में, मान लीजिए वेल्डिंग शिफ्ट, वेल्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस वो प्रोसेस तीनों शिफ्ट में चल रहा है, ए बी और सी तीनों शिफ्ट में, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट की रिक्वायरमेंट है कि वो तीनों शिफ्ट की ऑडिट किया जाए। ये IETF 16949 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। फिर इन्होंने लिखा है, अब ऑडिट में क्या क्या करेंगे, द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस रिस्क एनालिसिस, मतलब FMEA और कंट्रोल प्लान और जितने भी डॉक्यूमेंट है प्रोसेस के लिए हमने बनाया है, वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंट है कि नहीं कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो हमें ऑडिट करना है। देखिए अब हम समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम ऑडिट क्या करेंगे। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स एम्स, मतलब मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट एंड एनवायरमेंट, इन सिक्स एम की कॉम्बिनेशन को प्रोसेस कहते हैं। तो हमें प्रोसेस के लिए एक चेकलिस्ट, प्रोसेस ऑडिट के लिए एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए और चेकलिस्ट में इस सिक्स एम को, इस सिक्स एम की जितने भी चेक पॉइंट्स निकल के आता है और साथ ही साथ कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी उस चेकलिस्ट में आना चाहिए और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही ऑडिट होना चाहिए। उसमें सारा चीज कवर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग आप करते हैं तो आपका सारी, क्योंकि कंट्रोल प्लान में 6M कवर नहीं होता है, तो आपका ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करेगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस रिस्क एनालिसिस, मतलब PFMEA और कंट्रोल प्लान और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, एसोसिएट डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा आपको ऑडिट करना है और वो सारा इफेक्टिव इम्प्लीमेंट है कि नहीं वो भी आपको देखना है। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट के लिए एक चेकलिस्ट बनाएं और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऑडिट करें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑडिट। IETF 16949 में 9.2.2.4 प्रोडक्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट है और इसमें IETF की क्या रिक्वायरमेंट है वो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ऑडिट प्रोडक्ट यूजिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायर्ड अप्रोच, मतलब कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के को यूज करके ही प्रोडक्ट ऑडिट करें। एप्रोप्रिएट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी टू वेरीफाई कन्फर्मिटी टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट में प्रोसेस की पैरामीटर आपको देखना है, मतलब पूरा 4M 6M को लेना है और इसमें एज पर कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑडिट करनी है, मतलब कोई पार्ट आपको कंपनी में चलाकर, मतलब इनकमिंग से लेकर, रॉ मटेरियल से लेकर, पहले तो रॉ मटेरियल आप ऑडिट करेंगे, फिर आप स्टोर में ऑडिट करेंगे, फिर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट कटिंग हो रहा है, मशीनिंग हो रहा है, जो भी कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग आपका स्टेजेस है उस स्टेज को आप ऑडिट करेंगे, डिलीवरी तक, डिस्पैच तक, मतलब पैकिंग भी हो गया है उसके बाद डिस्पैच तक आप इसकी ऑडिट करेंगे। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिया जाएगा, एज पर कंट्रोल प्लान जो डिफाइन है वही ऑडिट आप करेंगे। ये आप कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग ऑडिट कर सकते हैं, इसमें चेकलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल प्लान में रिसिप्ट से लेकर डिस्पैच तक पूरा डिफाइन होता है
और उसको उसमें जितने भी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक स्टेज पे वो भी डिफाइन होता है। तो आप कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट ऑडिट करें, और उसमें अगर कुछ नॉन कन्फर्मिटी मिलती है तो उसकी आप रिपोर्ट बनाए एनसी रिपोर्ट और उसकी उसको क्लोज करें। देखिए दोस्तों, IETF 16949 में रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल ऑडिट, मतलब इन तीनों की ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का मतलब हो गया QMS ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट, इन तीनों के ऑडिट सर्टिफाइड क्वालिटी ऑडिटर ही कर सकता है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसमें रिक्वायरमेंट है इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जितने भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक ऑडिटर को फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल ऑडिट पे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेकंड पार्टी ऑडिट और एक होता है थर्ड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट IETF 16949 2016 में 8.4.2.4.1 में डिफाइंड है और उसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम तो पढ़ेंगे, द ऑर्गेनाइजेशंस क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द नीड टाइप फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप ऑफ सेकंड पार्टी ऑडिट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन अ रिस्क एनालिसिस। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में, किसी भी या तो OEM कंपनी या फिर टीयर वन कंपनी, या हम कह सकते हैं कस्टमर एंड पे, जो भी कस्टमर है वो अपने यहाँ पर रिस्क एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी कंपनी टॉप रिस्क में है। और ये रिस्क कैसे पता चलेगा, वो जब सप्लायर को मॉनिटर करेंगे क्वालिटी में, डिलीवरी में, प्रीमियम फ्रेट में, जो भी रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस की उसको मॉनिटर करेंगे और मॉनिटर करने के बाद देखेंगे कि उसकी जो आउटपुट है वो क्या है, क्या वो 100% है, 80% है, 50% है, 30% है। तो ये क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर 50% है तो कब कब ऑडिट करेंगे या साल में कितनी बार ऑडिट करेंगे, 80% है तो साल में कितनी बार ऑडिट करेंगे, 100% है तो कब ऑडिट करेंगे। तो ये क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि ये दिया हुआ है रिक्वायरमेंट है कि फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा कि जो ऑडिट हम करने जा रहे हैं क्या ये QMS ऑडिट है या प्रोडक्ट ऑडिट है या प्रोसेस ऑडिट है। तो ये तीनों आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद कंसिस्टेंट विद द ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच इफ ऑडिट स्कोप इज QMS। अगर आपका स्कोप QMS ऑडिट है तो आपको ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच को कंसिस्टेंटली आपको लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑडिट करना पड़ेगा। फिर सेकंड पार्टी ऑडिट मे बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले सप्लायर मॉनिटरिंग, सप्लायर QMS डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ऑडिट और प्रोसेस ऑडिट। सप्लायर मॉनिटरिंग का मतलब, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर आपकी सप्लायर मॉनिटरिंग अगर 80% है तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, या 100% है तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस टाइप से आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना पड़ेगा और
वो भी आपको देखना पड़ेगा कंपनी में जाके, सप्लायर मॉनिटरिंग जो आप कर रहे हैं तो वो गलत, मतलब इतना लो क्यों हो रहा है, मतलब 50% क्यों हो रहा है, उसको आपको ऑडिट करना है। फिर सप्लायर क्यूएमएस डेवलपमेंट, जिस सप्लायर के यहाँ ऑडिट करने जा रहे हैं वो सब, उस सप्लायर के यहाँ कोई क्यूएमएस मतलब आईएसओ या आईटीएफ इंप्लीमेंट है या नहीं, वो भी आपको ऑडिट करना है। आप अगर सप्लायर के यहाँ ऑडिट करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑडिट भी आप करेंगे। तो ये IATF 16949 की सेकंड पार्टी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। फिर आते हैं हम थर्ड पार्टी ऑडिट में। थर्ड पार्टी ऑडिट में ये ऑडिट जो है, थर्ड पार्टी ऑडिट ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग बॉडी हु प्रोवाइड सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लायंस। ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएटीएफ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, वो उनके ऑडिटर जो ऑडिट करते हैं या उनके द्वारा जो ऑडिट किया जाता है उसको थर्ड पार्टी ऑडिट कहा जाता है। जैसे कि इसमें कुछ कंपनी के सर्टिफिकेशन बॉडी के नाम है, क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया जिसे क्वालिटी ऑस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है, TÜV, DNV, BSI, VVQA, DQS, ये सारे सर्टिफिकेशन बॉडी से ऑडिटर को भेजा जाता है और ऑडिटर आकर इनिशियली ऑडिट करते हैं कि आप जो सर्टिफिकेशन लेने वाले हैं, जैसे मान लो मैं ISO 9001 लेने वाला हूँ, तो ISO 9001 की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हमारी कंपनी में इंप्लीमेंट किया है या नहीं, जैसे क्वालिटी मैनुअल, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स, KPI, तो इस टाइप के जो भी डेटा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, इंट्रैक्शन ऑफ द प्रोसेस है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स है कि नहीं, मैनेजमेंट रिव्यू रिव्यू किया जाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज वन में ये देखा जाता है। फिर स्टेज टू में, स्टेज वन अगर क्लियर हो जाता है तो ये फिर स्टेज टू के लिए रिकमेंड करते हैं या डेट दे देते हैं कि हम स्टेज टू नेक्स्ट डे करेंगे। अगर इन स्टेज वन में कुछ गैप निकलता है तो NC नहीं दिया जाता है, उस गैप को वो कहते हैं कि सुधारो। फिर स्टेज टू में ऑडिट किया जाता है, ऑडिटर आते हैं और जितने भी प्रोसेस आइडेंटिफाई किया है आपके इंट्रैक्शन ऑफ द प्रोसेस में, उन सभी प्रोसेस की ऑडिट करते हैं और उसमें जो गैप निकलता है उसमें NC वो दे जाते हैं, और उस NC को जब तक क्लोज नहीं करते हैं तब तक सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है। सर्टिफिकेशन मिलने के बाद स्टेज टू ऑडिट होता है, फाइनल सर्टिफिकेशन ऑडिट, मतलब स्टेज टू के बाद आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेशन मिलने के बाद हर साल उसकी सर्वेलेंस ऑडिट होती है, मतलब आपने रेगुलर प्रैक्टिस जो भी आप कंपनी में QMS ले रहे हैं उस QMS की रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, या मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उसकी ऑडिट करने के लिए एक सर्वेलेंस ऑडिट किया जाता है जो कि एवरी ईयर होता है, हर साल होता है, इसे कहते हैं सर्विलेंस ऑडिट। तो ये तीन स्टेज होते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए। दोस्तों आज हम कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक ऑडिट के कि ऑडिट कितने टाइप के होते हैं। तो ऑडिट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट और एक एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को फर्स्ट पार्टी ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट को सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट खुद कंपनी करती है, एक दूसरे की क्रॉस फंक्शन को ऑडिट करते हैं, और सेकंड पार्टी ऑडिट कस्टमर द्वारा सप्लायर एंड पे ऑडिट किया जाता है, और थर्ड पार्टी ऑडिट किसी भी इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन बॉडी आपके कंपनी में ऑडिट करती है। थर्ड पार्टी ऑडिट गवर्नमेंट कोई एजेंसी है वो भी
अगर ऑडिट करती हैं तो वो भी थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाता है। दोस्तों ये था पूरा ऑडिट, बेसिक ऑडिट की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा इंटरनल ऑडिट के लिए कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है और इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या होता है, वो काफ़ी लेंथी बनाऊंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर ऑडिट से रिलेटेड, मतलब आज के वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।